hello students this is nirej Gupta ICI has recently issued RTP and uh, we are covering uh, all the points trying to cover all the points this is the third video and in this we will talk about a new section section 35 ABA and right? income tax act section I which is talking about some spectrum fees let's start जैसा सबसे पहले मैंने आपको बोला कि आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट अ न्यू सेक्शन दिस इज अ न्यू सेक्शन सेक्शन थर्टी फाइव ए बी ए इट इज अबाउट एक्सपेंडिचर फॉर ऑब्टेनिंग राइट टू यूज स्पेक्ट्रम फॉर टेली कम्युनिकेशन सर्विसेस यानी कि ये बात कर रहा है स्पेक्ट्रम की सम एक्सक्लूसिव राइट्स की जो कि टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज में यूज होते हैं तो चलिए सबसे पहले मेरे मन में ये आया कि थोड़ा सा गूगल पे सर्च किया जाए ये स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है तो बड़े सारे अलग अलग आप समझिए गूगल पे कुछ भी डालते हैं तो निकल के आता है एक मुझे कुछ थोड़ा सिंपल सा लगा जैसे इसमें लिखा स्पेक्ट्रम रेफर्स टू द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज यानी कि जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं अलग अलग है ना किसी और जगह भी मैंने पढ़ा था वहां पर लिखा था कि जैसे आ, ये आपका जो एफ चैनल है उसकी अलग फ्रीक्वेंसी होती है देखा होगा आपने 92, 98, 100 ये इसी के आसपास ही होते हैं है ना एफ चैनल 2000 का नहीं होता फिर वो हो बता रहे थे कि ब्रॉडबैंड का अलग फ्रीक्वेंसी होता है वाईफाई जो आपके घर में चलता है उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है कुछ सिस्टम है तो वैसे यहां पर भी समझाया हुआ स्पेक्ट्रम रेफर्स टू द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंस अवेलेबल फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेटा एंड कम्युनिकेशन यानी कि ये कोई रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है रेडियो वेव्स 2G, 3G, 4G, ऑल हैव डिफरेंट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज विच दे ऑपरेट विद इन दिस रेंज डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ डेटा ट्रांसफर टाइप ऑफ ट्रांसफर रेंज ऑफ ट्रांसफ़र इसीलिए थ्री जी इज़ फास्टर देन टू जी एंड अकॉर्डिंगली फोर जी इज़ द मोस्ट फास्टेस्ट एट प्रेजेंट पोर्शन ऑफ स्पेक्ट्रम रेफर्स to वेरियस टेलीकॉम कंपनीज bidding to गेन एक्सक्लूसिव ownership ऑफ अ particular फ्रीक्वेंसी यहां इतना डिटेल में नहीं है जिसमें मैं किसी और में पढ़ रहा था मैं इस तरह से बताया हुआ था कि अगर आ, सभी लोग एक ही फ्रीक्वेंसी पर अपना ट्रांसमिट करना शुरू कर दें तो वो इट विल क्रिएट इनटू अ के अब जैसे मैं वही मैं सोच रहा हूँ कुछ मैं अपनी इमेजिनेशन से ही आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ क्योंकि इसमें टैक्सेशन के एंगल से ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे पास पढ़ाने के लिए तो मैंने फिर भी लेकिन हो सकता है आप में से कुछ को स्पेक्ट्रम की नॉलेज ना हो जैसे मेरे को नहीं थी तो मेरे को लगा सबसे पहले तो ये समझो ये स्पेक्ट्रम क्या है जो नया सेक्शन आ गया तो वहाँ पर भी इस तरह से लिखा हुआ था कि फिर वो अब जैसे मैंने मैं बात कर रहा था एफएम की तो एफएम में होता ना कि भाई आप 92.5 या 93.5 कुछ ऐसा होता है या जो भी 104 अलग अलग फ्रीक्वेंसी आप ओपन करते हो तो एक पर्टिकुलर चैनल चलना शुरू हो जाता है यानी कि उस अब जैसे यहाँ रेडियो वेव्स की बात कर रहे करें तो रेडियो वेव में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एक कंपनी ने खरीद ली रेडियो मिर्ची ने ले ली या जो भी है ना तो वो उतनी फ्रीक्वेंसी पर फिर उन्हीं का चैनल चलेगा नहीं तो ऐसे तो फिर वही अगर फ्रीक्वेंसी पर कोई और कर देगा तो पता ही नहीं कौन सा चैनल चलना शुरू हो जाएगा है ना इट्स समथिंग लाइक दिस तो यहां पर भी उसी तरह समझा रहे सेल ऑफ ए पोर्शन ऑफ स्पेक्ट्रम रेफर्स टू द वेरियस टेलीकॉम कंपनीज ये फुल स्टॉप मुझे लगता है बीच में गलती से है बिडिंग टू गेन एक्सक्लूसिव ऑनरशिप ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी अप फॉर सेल है ना एक्सक्लूसिव ऑनरशिप ऑफ द पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी फॉर एक्साम्पल इफ एयरटेल बिड्स फॉर द परचेज ऑफ फाइव फ्रीक्वेंसी विद इन थ्री जी स्पेक्ट्रम देन फाइव मेगा उनका हो गया फिर वोडाफोन टाटा वाटा उसमें काम नहीं कर पाएंगे इट इज समथिंग लाइक दैट तो आई थिंक एक रीजनेबल डिस्कशन हम कर चुके हैं इसको बाकी आप अपना खुद तैयार कर सकते हैं अगर आपको इसमें और इससे ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो सवाल यह है कि आपने वो जो पैसा दिया उसका क्या होगा तो इस बारे में मैं चाहता तो पूरी कहानी लिख सकता था लेकिन मैंने आपको ये बताया कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पी जी पे मेरे नोट्स देख चुके हैं वीडियोस पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि हमने पहले भी अमोर्टाइजेशन ऑफ टेलीकॉम लाइसेंस भी पढ़ा है और ये जो नया आया है प्रोविज़न इतना डिटेल में आर में नहीं है मैंने कुछ सी फाइनल लेवल की आ, बुक्स को रेफर किया स्पेशली रिटन बाई डॉक्टर सिंघानिया तो वहाँ इसके बारे में पूरा डिटेल में था अवेलेबल तो वहां से लेके मैंने जब उसको पढ़ा तो मैंने देखा कि अरे ये तो बिल्कुल वही 35 जो है आपका ए बी बी वाले प्रोविजन्स हैं टेलीकॉम लाइसेंस फी वहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि सपोज एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि आपने 10 करोड़ का लाइसेंस 10 साल के लिए लिया तो पेमेंट बेसिस पर एक करोड़ पर एनम आपको डिडक्शन मिलेगी फिर आर में तो उतना डिटेल में नहीं दिया हुआ लेकिन मैंने इसलिए आपको बता रहा हूँ वहाँ पर फिर ये बताया हुआ कि डॉक्टर सिंघानिया ने अपनी किताब में कि आ, अगर आप उसको सेल कर देते हैं तो वो जो सेल ऑफ टेलीकॉम लाइसेंस फी वाले प्रोविजन वही सिमिलर प्रोविजन उन्होंने एक्सप्लेन किए हुए तो कहने का मैं अब लास्ट में जाकर जो है उसके अंदर वो अमेलगमेशन डी मर्जर सेम एवरीथिंग जो मैंने आपको ऑलरेडी टेलीकॉम लाइसेंस फी में पढ़ाया वो डिट्टो है थर्टी फाइव ए बी ए पे तो यानी कि नथिंग टू वरी अगर आपने वो पढ़ रखा है तो ये वाला बस सेक्शन आपको याद होना चाहिए आपका काम चल जाएगा एक नया पॉइंट जो कि आर ने उठाया हुआ है अच्छे से उसको मुझे लगा मैं आपसे जरूर डिस्कस करूं दर इज वन न्यू पॉइंट विच इज़ नॉट मैंशन इन थर्टी फाइव और वो है डेफर्ड पेमेंट ऑप्शन का मैं अपने मन से इमेजिनेटिव फिगर्स की बात कर रहा हूं आपको अगर मैं दस करोड़ की बात करूंगा तो आप भी हंसने लगेंगे सर दस करोड़ में थोड़ी स्पेक्ट्रम मिल जाएगा लेकिन मैं समझाने के लिए फिगर ले रहा हूं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी इसको पढ़ के आर टीपी से आपकी वो ये कि अगर सपोज आपने दस करोड़ की पेमेंट की तो दस साल में वो आपको अलाउ कर देंगे एक एक करोड़ पर है ना अगर उन्होंने आपको डेफर्ड पेमेंट अलाउ की है ध्यान से देखिए वेयर हैज ऑप्टेड एंड बीन अलाउड मैं इसको यहां रोकता हूं पहले तो वेयर एन एस हैज ऑप्टेड एंड बीइंग अलाउड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी जहां पर असेसी ने ऑप्ट किया डेफर्ड पेमेंट को और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने अलाउ किया मैं अपने मन से बोलता हूं कि सपोज या तो आप दस करोड़ अपफ्रंट दे दो या आप तीन तीन करोड़ करके चार बार में दे देना सपोज ने कहा जी मैं तीन करोड़ चार बार में दे दूंगा तो इस सिचुएशन में भी डिडक्शन ऐसे ही मिलेगी जैसे कि आपने अपफ्रंट पेमेंट की हो यानी कि बजाय बारह करोड़ के आपको दस करोड़ के बेसिस पर ही चलेंगे ये एक नया कंसेप्ट है फिर से बोलता हूं अपने मन से इमेजिनेटिव फिगर्स बोल रहा हूं सपोज मैंने कहा दस करोड़ की अपफ्रंट पेमेंट है, आप स्पेक्ट्रम ले लो तो, तो फिर ठीक है आपने दस करोड़ रुपए दी आपको डिडक्शन मिल गई ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है अमोटाइजेशन ऑफ टेलीकॉम लाइसेंस फी में अब एक नया फंडा डाल दिया सपोज तीन तीन करोड़ की आपको चार इंस्टॉलमेंट्स अलाउड की हैं ऑप्टेड एंड अलाउड बाय द डिपार्टमेंट तो भी डिडक्शन तीन करोड़ के हिसाब से नहीं मिलेगी आपको अलाउ किया गया आप उसी नॉर्म्स के हिसाब से चल रहे हो तो आपको जितना अपफ्रंट पेमेंट में पैसा लगता है उसके हिसाब से डिडक्शन मिलेगी अब इसको ध्यान से पढ़िए पैराग्राफ को तब आपको समझ में आएगी बात ये लिखा वेर एन एस एस सी ऑप्टेड एंड बीन अलाउड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टू मेक डेफर्ड पेमेंट आपने ऑप्ट किया और आपको डेफर्ड पेमेंट अलाउ कर दिया द अमाउंट विच वुड हैव बीन पेबल वो अमाउंट जो आपको देना पड़ता बाय दी एस एससी को हैड ही ऑप्टेड फॉर फुल अप्रंट पेमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम फीस यानी कि अगर उसने पूरी अपफ्रंट पेमेंट की ऑप्शन ली होती दे रहा है वो डेफर्ड लेकिन अगर उसने डेफर्ड की जगह पर फुल अपफ्रंट लिया होता तो जितना अमाउंट होता यानी वही जैसे मैंने एग्जांपल है दस करोड़ तो उसी के हिसाब से उसको डिडक्शन मिलेगी इन द नंबर ऑफ इयर्स फॉर द स्पेक्ट्रम इज वैलिड जैसे मैंने कहा दस करोड़ दस साल के लिए सिंपल फिगर ले रहे हैं समझने के लिए तो एक करोड़ पर परिणाम के डिडक्शन मिलेगी अब उसने बाद में कोई गड़बड़ की तो फिर वो सारा रिकम्प्यूट होगा फिर वो एक्चुअल पेमेंट जितना उसने दी उतने तक ही डिडक्शन उसकी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी सो वेर एनी डिडक्शन हैज़ बीन क्लेम्ड एंड ग्रांटेड जहां पर उसने डिडक्शन क्लेम की उसको अलाउड भी हो गई एंड सब्सिक्वेंटली देर इज फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन बाद में उसने कोई गड़बड़ कर दी देन डिडक्शन शैल बी डीम्ड टू हैव बिन रॉन्गली अलाउड फिर हम ये मान के चलेंगे कि वो डिडक्शन आपको गलत मिल गई क्योंकि जो डेफर्ट पेमेंट के ऑप्शन अलाउ की गई है उसमें फिर जो भी उसकी और फॉर्मेलिटीज हैं वो सारी ही पूरी करनी है नहीं तो आपके आर टीपी में ये क्लियरली लिखा है कि फिर उसका जो लाइसेंस है जो एग्रीमेंट है जो अलॉटमेंट है वो कैंसिल की जा सकती है अब ऐसे में होगा क्या द असेसिंग ऑफिसर विल रिकम्प्यूट द टोटल इनकम ऑफ द दी मतलब सिंपल सी बात है कि जो डिडक्शन उसको दी गई होगी वो कैंसिल करके टैक्सेबल इनकम रिकम्प्यूट की जाएगी नेसेसरी रेक्टिफिकेशन वो जो असेसमेंट एक तरह से कंप्लीट हो चुकी होगी उसमें रेक्टिफिकेशन की जाएंगी विद इन फोर ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द फेलियर टेक्स प्लेस तो ये तो एक रूटीन है ही रेक्टिफिकेशन चार साल में किया जाता है ठीक है ना तो यह है आपका सेक्शन थर्टी फाइव ए बी ए एक्सपेंडिचर फॉर अपटेनिंग राइट टू यूज स्पेक्ट्रम फॉर द टेली कम्युनिकेशन सर्विस जैसा मैंने कहा इसकी प्रोविजन बिल्कुल टेलीकॉम लाइसेंस फी जैसे हैं सेम वही उतने ही नंबर ऑफ ईयर्स में डिडक्शन मिलेगी वही सेल ऑफ टेलीकॉम लाइसेंस वाले प्रोविजन अप्लीकेबल होंगे पार्ट में बेचा फुल बेचा कम में बेच दिया ज़्यादा में बेच दिया सिर्फ एक डेफर्ड पेमेंट वाला एक नया कंसेप्ट आपके आर टी पी में प्रॉपरली दिया गया है उसको मैंने एक्सप्लेन किया है कि अगर आपको डेफर्ड पेमेंट भी अलाउ की गई है आप सारे नॉर्म्स पूरे करते हैं तो आपको डिडक्शन उतने अमाउंट की मिलनी शुरू हो जाएगी जैसे कि अपफ्रंट पेमेंट में मिलती हाँ अगर आपने बाद में कोई फेलियर किया तो फिर वो डीम्ड रॉन्गली अलाउड करके रिकम्प्यूट किया जाएगा और फिर उतने ही अमाउंट की नेचुरली डिडक्शन मिल पाएगी जितना आपने एक्चुअली पे किया है राइट थैंक यू वेरी मच